स्क्रीन पर दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, अनुराग और रिजवान को साथ में मत दिखाइए, बस आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अनुराग 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 एक मिनट, पापा लेकर टीवी बैठने वाला मुझे बोला लौट जाओ, कमाल का आदमी है, बोलो टीवी चैनल पे पैसा लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो, बीजेपी की तरफ से पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो, बोलो पैसा लेकर टीवी बैठोगे रोड शो बोलने लग जाओगे, कमाल है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होता है, नहीं नहीं टाइम में दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल अनुराग भाई आप आगे नहीं बढ़ेंगे। झारखंड हो या जर्मनी हो, हमारी अच्छा बहुत देर से आप बोल रहे थे बहुसंख्यक मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए या एक वर्ग अगर बहुसंख्यक हो जाए, पहले तो एक बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती, हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं पहली चीज, तो हमें 55-60% होने की जरूरत नहीं होती। झारखंड हो या जर्मनी हो, बता रहे जिस दिन जी ये बोल क्या रहे हैं, डरा रहे हैं बता रहे हैं, ये बोल क्या, नहीं नहीं बोल रहे हैं क्या, नेशनल चैनल पे क्या बोल रहे हैं, वो आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं, अभी 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 सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है, अमन भाई अभी अमन भाई बोल रहे, अभी जब प्रोग्राम रिजवान भाई कड़वा सच बोलते मीठा झूठ नहीं बोलते, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, हां जी हां जी, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये सुन लो, तो यही आदमी बैठ के बोल रहा था डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है, अरे किस बात की, इसको पहले कंट्रोल करो, पहली चीज स्क्रीन पर दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, अनुराग और रिजवान को साथ में मत दिखाइए, बस आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, अनुराग 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 एक मिनट, पापा लेकर टीवी बैठने वाला मुझे बोला लौट जाओ, कमाल का आदमी है, बोलो टीवी चैनल पे पैसा लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो, बीजेपी की तरफ से पैसा लेते हो कि नहीं लेते, बोलो पैसा लेकर टीवी बैठोगे रोड शो बोलने लग जाओगे, कमाल है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होता है, नहीं नहीं टाइम में दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पर्सनल नहीं होते हैं, आप ही बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, किसी का बिना नाम लिए पैनल पर, तो देखिए बिना पैनल पर किसी का नाम लिए, अगर मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में नहीं बोलेंगे, अगर बोलिए आप आगे, मैं तो बोलते ही नहीं, चलिए आगे, बहुत वेरी गुड, बहुत शानदार, झारखंड नहीं, झारखंड नहीं, अगर 60 साल में इंग्लैंड में हमारी आबादी 40% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, तो हम इंग्लैंड में भी छुट्टी वहां जुमे की करवाएंगे, और आपने बोला डरा रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो अश्वनी भी बता रहे थे, अब आपको डरना है तो डर जाइए और संभलना है तो संभल जाइए, यह आपकी मर्जी, नहीं तो फिर एक चीज बताइए, मतलब जो बीजेपी या अश्वनी जी या जो राइट विंग की तरफ से बार बार बताया डराया जाता है कि जिस तेजी के साथ बढ़ रही है ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो डर सही है इसका मतलब, वो डर सही है इसका मतलब कि 35-40 बात यह नहीं, अच्छी बात यह है कि उस नहीं नहीं अच्छी बात यह कि उस तेजी में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम मान लें, अगर हम मान ले कि बढ़ गई, मान ले तो पूरे हिंदुस्तान में जुमे की छुट्टी हुआ करेगी, सलमानों में प्रजनन दर में कमी आ रही है, नदीमुद्दीन जैसे स्कॉलर कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है, तो अनुराग भदौरिया फिर क्यों किसका विरोध कर रहे हैं, मैं अनुराग भदौरिया आपको शुरुआत में भी कह रहा था, एक मिनट रुकिए, अनुराग भदौरिया मैं आपको शुरुआत में भी कह रहा था, आप जिनकी रहनुमाई कर रहे हैं वो चाह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, और आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा, अमन जी फिर बात को तोड़ना मड़ोड़ना फिर वही घूम के आना, मैंने आपको बधाई दी थी, आपने सही बोला था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी वोट बैंक के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों, वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, हम नहीं चाहते, हमने बोला जनसंख्या पे भी बात करिए, आइए ऑन द टेबल बैठिए, चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं कैसे इस पे कानून बनाया जाए, आइए कैसे बेरोजगारी रुके जाए इस पे बैठते हैं, आइए महंगाई पे, हम तो सब पे बैठने को तैयार हैं, आइए तो सही बैठिए तो सही बात तो कीजिए, लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति में डिवाइड रूल करना चाहते हो और चाहते हो कि यहां से वहां पलायन कैसे होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से डिवाइड एंड रूल कैसे होगा, क्यों आप ऐसा कहते हैं, सुन लीजिए क्यों ऐसा कहते हैं, मैं कह रहा हूं क्यों ऐसा कहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए था कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे प्रदेश के लिए एक समस्या है और इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, ये बात खत्म हो जाती है, लेकिन आप उसमें लाइन ऐड करते हो क्यों,
क्योंकि आपको तो सुसुरिया लगानी है, वोट बैंक जो आप कह रहे हो ना, ये बीजेपी वाले वोट बैंक खोजते हैं। हम विकास की राजनीति पे जोर देते हैं, मतलब हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। ये अच्छी चीज है, आज की डिबेट ऐतिहासिक है, आज की डिबेट ऐतिहासिक है। अराजकता का माहौल बनाने डॉक्टर रिजवान अहमद और अश्विनी उपाध्याय, ये डिबेट को मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं, आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो भी चाहते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। आज हर कोई चाह रहा है, ये फिर विरोध कहाँ हो रहा है? चाहती है प्रभु, फिर तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं सब कह रहे हैं। फिर मैं अच्छा चलिए 5 सेकंड। अच्छा देखिए, जहां तक पलायन की बात है, अश्विनी जी देखिए कंपेयर हिंदुस्तान को किससे कर रहे हैं, इनकी आत्मा कचोटती भी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये भैया मेरा हिंदुस्तान, इसको वहां से कंपेयर मत कीजिए, आप इसको उससे कंपेयर मत कीजिए। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, अश्विनी भाई आपके ऑडियो में दिक्कत है वो सही करा दीजिए प्लीज, आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अश्वनी भाई ने बिल्कुल सही बात कही, देखिए जहां मुझे योगी जी की बात खटकी मैंने बोल दिया। अश्वनी भाई ने बिल्कुल कहा कि भाई कभी अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, तो ये बात हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की है। चलो हम तो साथ में, चलो दूसरी, चलो फिर सुरक्षा बीच में बोला, नहीं नहीं ये नहीं फिर कौन बीच में बोला? दानिश कुरैशी जी ने बोला भाई, दानिश कुरैशी जी आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रिजवान भाई, क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, नहीं ऐसे नहीं क्या सर, एक एक करके क्यों दानिश भाई वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, एक एक करके हम बोले ना। अश्विनी भाई जो कह रहे हैं, अश्विनी भाई जो कह रहे हैं आप एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट करेंगे उसके बाद, डॉक्टर रिजवान अहमद पहले अफगानिस्तान चलना है, लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया, वहां चलना है, डॉक्टर रिजवान अहमद आपका ऑडियो ऑन एयर है, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं ऐसे नहीं प्लीज चुप करवाओ, बस ऐसे नहीं 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 डॉक्टर रिजवान नहीं, डॉक्टर रिजवान नहीं, ये तरीका सही नहीं, नहीं 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 ये तरीका सही नहीं, नहीं ये तरीका सही नहीं, नहीं ये तरीका सही नहीं, नहीं ये बिल्कुल तरीका सही है, हम जब बोलते हैं बिल्कुल तरीका सही है, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आप ऑडियो डाइल्यूट करते हैं, दिस इज नॉट गुड, बिल्कुल तरीका सही नहीं करता ऐसे, इस तरह से मैं नहीं करता, नहीं नहीं बिल्कुल गुड है, दानिश आ रहा हूं, नहीं नहीं किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, दानिश कुरैशी आप बोलेंगे तो आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, अब डॉक्टर रिजवान आप बोलेंगे, कोई किसी के बीच में ना बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दानिश भाई जब आप बोलेंगे।